हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। यहाँ पे बड़े बड़े एनालिस्ट कंटिन्यूसली वोडाफोन आइडिया में अपनी कमेंट्स दे रहे हैं, और यहाँ पे वन ऑफ दी एक एनालिस्ट ने यहाँ पे फिर से वोडाफोन आइडिया पे अपना बयान दिया है, तो जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि कल यानी कि बुधवार को यहाँ पे हमें वोडाफोन आइडिया में किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकेगी। यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की आज की सिचुएशन। आज की सिचुएशन थोड़ी मिली जुली रही। यहाँ पे 9 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 10 पैसे ऊपर 1% से भी ज़्यादा की तेजी के साथ यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बंद होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे सुबह तो गैप अप शुरुआत हुई थी दोस्तों, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट का माहौल और लगभग लगभग 9 रुपये 10 पैसे 9 रुपये 5 पैसे के आसपास का सपोर्ट लेकर के लास्ट के 1 घंटे में फिर से खरीदारी लौटती हुई वोडाफोन आइडिया में हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे मिला जुला माहौल रहा था, ऊपर नीचे दोनों की तरफ यहाँ पे हमें मूवमेंट वोडाफोन आइडिया की देखने को मिली थी। यहाँ पे कारोबार देखे तो कारोबार में किस तरह की सिचुएशन निकल करके आती है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 9 रुपये 20 पैसे पे क्लोजिंग, जैसे मैंने बताया 10 पैसे यहाँ पे ऊपर 1% से भी ज्यादा की तेजी। हाई जो बनाया वो 9.5 रुपये का और यहाँ पे लो 9 रुपये का। तो दोस्तों, यहाँ पे ऊपर और नीचे जो दोनों तरफ टारगेट दिए थे मैंने, वो दोनों तरफ दोनों बाजू अचीव हो चुके हैं। तो कल का वीडियो जिसने देखा होगा वो यहाँ पे लकी प्रॉफिट बनाने में कामयाब रहा होगा। यहाँ पे कारोबार की बात करें, 17 करोड़ 1,93,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 8 करोड़ 2,13,000 शेयर की डिलीवरी, और यहाँ पर परसेंटेज जो डिलीवरी जो निकल कर के आ रही है वो बावजूद बहुत बढ़िया है, 47.17% की डिलीवरी यहाँ पे उठती हुई देखने को मिली। मुझे लगता है कारोबार अपने आप पे बहुत ज़्यादा तगड़ा है। जो खबर है उसके बारे में बताना चाहूँगा, टेलीकॉम टॉक की वेबसाइट पे आज के दिन की यहाँ पे खबर, और यहाँ पे खबर आपके सामने, वोडाफोन आइडिया हैज टू पुश फॉर टेरिफाइक अर्लियर देन जियो एयरटेल एनालिस्ट से। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले बातें ऐसी बताई जा रही थी कि वोडाफोन आइडिया को अपनी टेरिफाइक का जो प्लान है उसको पोस्टपोन करना चाहिए, उसको थोड़ा लेट करना चाहिए। पर यहाँ पे कुछ एनालिस्ट ऐसा भी बोल रहे थे कि जो टेरिफ है कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, उसको जल्दी से जल्दी लानी चाहिए। परंतु हाल फिलहाल में सिचुएशन जिस तरह की है, क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के प्लान से वो ऑलरेडी प्रीमियम में है एज कम्पेयर टू जियो, तो हो सकता है यहाँ पे जो 4-6 महीने की यहाँ पे टैरिफाइक को लेकर के पुश किया जाए उसको, और उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाए। पर अभी एनालिस्ट का मानना अलग ही है। यहाँ पे उसका ऐसा मानना है कि अभी वोडाफोन आइडिया को तभी टैरिफाइक करनी चाहिए जब रिलायंस जियो और भारती एयरटेल कर दे, मतलब कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल कर दे उसके बाद ही वोडाफोन आइडिया को टैरिफाइक को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की राह देखोगे, हाँ हो सकता है भारती एयरटेल इंट्रोड्यूस करे, परंतु रिलायंस जियो मुझे तो हाल फिलहाल में कोई भी तारीफ है को लेकर के ना तो इसने कभी बयान दिया है और ना वो करने के किसी भी प्रकार के मूड में है। तो देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया अभी आगे क्या बताता है, किस तरह का प्लान बनाता है टैरिफ हाइक को लेकर के। पर जिस तरह की यहाँ पे बातें बताई जा रही इस रिपोर्ट में, ऐसा बताया जा रहा है कि टैरिफ हाइक अगर यहाँ पे करते हैं तो वोडाफोन आइडिया के मार्केट शेयर में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आ सकता है, जिसके चलते उसको यहाँ पे टैरिफ हाइक को अभी तो बिल्कुल पुश कर देना चाहिए। जब तक जियो और एयरटेल इंट्रोड्यूस नहीं करते टैरिफ हाइक, तब तक इनको सोचना भी नहीं चाहिए। तो अब अपने आप में इंटरेस्टिंग बातें बोली है एनालिस्ट ने। तो आगे देखने वाली बात यह होगी कि अगर नेक्स्ट टैरिफ हाइक का राउंड आता है तो वोडाफोन आइडिया किस तरह का प्लान बना करके इसको इंट्रोड्यूस करता है। हाल फिलहाल में सीधा मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा, और कल के लिए क्या लेवल टारगेट है वो बताने की कोशिश करूंगा कि टारगेट भी आज जैसे सेम ही होंगे, क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिला था, हमने जिस तरह का प्लानिंग किया था ऊपर नीचे, वैसा ही बिल्कुल मूवमेंट हमें देखने को मिला। आप देखिए दोस्तों, 9.25 रुपये के आसपास ओपनिंग होती है, वहाँ पे आके लो भी मारे, और उसके बाद हमारा जो टारगेट था 9.40 रुपये वो अचीव कर दिया। हालांकि 9.45-50 रुपये तक भी गया था, और इसके बाद मैंने जैसे बताया था 9.15 रुपये का लेवल तोड़ेगा तो नीचे जाएगा 9 रुपये के आसपास सपोर्ट, तो एग्जैक्ट नीचे गया और वहाँ पे इस सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। तो फिर से वही रेंज है 9.15 रुपये और 9.25 रुपये का जो ये रेंज है, जो कि आखिरी 3 कैंडलों में बनी है और वहाँ ही मूवमेंट हुए, तो उसको तोड़ने देना है।
फिर से 9 रुपये 25 पैसे दौड़ेगा, तो 900 रुपये 40 पैसे, 9 रुपये 50 पैसे 55 पैसे के आसपास घूमेगा। और नीचे की तरफ अगर 9 रुपये 15 पैसे फिर से टूटा तो 9 रुपये और 8 रुपये 80 पैसे के आसपास सपोर्ट भी लेगा। तो यहाँ पे आरएसआई का लेवल बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो चला है, 56.77 यहाँ पे आरएसआई का लेवल देखने को मिल रहा है। मैं चाहूँगा आप अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए पोजीशन बनाने का। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस किसी ने जीरो दम अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से अकाउंट ओपन अगर करेगा तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें उनको जगह दी जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।